नमस्कार जी, आप सभी का एजुकेशन नॉलेज टी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है देवपाल। कैसे आप सभी? हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, स्कूली विद्यार्थियों को बड़ा झटका लगा है। सुबह सुबह आई है बड़ी खबर, 15 मार्च 2021 हो चुकी है। देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन क्या कुछ आई हुई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी के लिए जो वे शिक्षा से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिएगा, कोरोना की वजह से चंडीगढ़ और पंजाब में स्कूलों को किया गया है बंद, लेकिन कोरोना काल हरियाणा सरकार स्कूलों को बंद करने के पक्ष में नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिएगा, कोरोना काल के बीच हरियाणा सरकार स्कूलों को बंद करने के पक्ष में नहीं है। चरणबद्ध तरीके से खोले गए स्कूलों में नियमित कक्षाओं का सिलसिला जारी रहेगा। यह निर्णय शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत करने के बाद लिया है। हालांकि पंजाब और चंडीगढ़ कोरोना के चलते केसों के कारण दोबारा स्कूल बंद करने का ऐलान कर चुके हैं, पर हरियाणा में अभी तक संबंध में किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है। दरअसल प्रदेश में 9वीं से 12वीं, उसके बाद 6ठी से 8वीं, फिर 3री से 5वीं और अंत में 1ली से कक्षा के लिए स्कूल खोले गए थे। स्कूलों में करीब 70 से 75% विद्यार्थियों का आना शुरू कर दिया है। ऐसे में कोरोना के दोबारा प्रकोप को देखते हुए स्कूलों को पूर्ण बंद किए जाने की अटकलें चल रही है, जिसे शिक्षा मंत्री की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में समाप्त कर दिया है। यानी कि अब हरियाणा में स्कूल बंद नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिएगा, आज से खुल जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि आंगनबाड़ी भी आज से खुल जाएगी और स्कूल बंद नहीं होंगे हरियाणा में। फिलहाल बड़ा फैसला लिया है हरियाणा शिक्षा विभाग ने और बड़ा झटका भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कोरोना ज़्यादा बढ़ता है तो विद्यार्थियों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। वही पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ पर स्कूल बंद कर दिया है। आपकी क्या कुछ राय है, स्कूल बंद करने क्या चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लिंक सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।